हमारे चैनल प्लास्टिक विद अमित दक्ष। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। वंस अगेन आज हम बात करते हैं आपके प्लास्टिक मटेरियल सब्जेक्ट की। उसमें जो टॉपिक है वो हमारा SAN। SAN क्या हो रहा है आइए डिस्कस करते हैं। ये आपके चैप्टर फर्स्ट का ही है। SAN इज स्टैंड फॉर स्टायरीन एक्रेलोनाइट्राइल। जो SAN होता है वो हमारी स्टायरीन एक्रेलोनाइट्राइल होता है। ये होता क्या है, ये टू डिफरेंट यूनिट्स यानी कि टू डिफरेंट मोनोमर, अलग अलग डिफरेंट मोनोमर से मिलकर बना हुआ है। ये को पोलीमराइजेशन रिएक्शन होती है। जब हम इसकी को पोलीमराइजेशन रिएक्शन करवाते हैं तब ये SAN मिलता है। जो इसके टू मोनोमर्स हैं वो है हमारे स्टायरीन और एक्रेलोनाइट्राइल। एक्रेलोनाइट्राइल और स्टायरीन, इसमें जो लेस परसेंटेज होती है वो हमारे एक्रेलोनाइट्राइल की होती है। स्टायरीन के हमें 70 से 80% तक होती है और ये हमारी एक्रेलोनाइट, जो रेस्ट बचती है वो हमारी एक्रेलोनाइट्राइल होती है। एक्रेलोनाइट्राइल की इसे मिलाने से हमें इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी और केमिकल रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है एज कंपेयर पॉलीस्टायरीन के। हम इसको पॉलीस्टायरीन की जगह पर यूज़ करते हैं। हाँ, स्टायरीन भी हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन जब हमें कुछ और चाहिए था इसलिए हमने इसको डेवलप किया। डेवलप करने में हमें पता चला इसकी सिमिलर प्रॉपर्टी है, इस वजह से हम इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं एज कम्पेयर पॉलीस्टायरीन के। जो हमारी SAN होती है वो हमारी ट्रांसपेरेंट इन कलर होती है। ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसका कोई कलर नहीं होता है। लेकिन वाइल ऑन द अदर हैंड हम इसके रेजिन्स देखते हैं तो इसके रेजिन्स होते हैं वो येल्लो इन कलर होते हैं। इसके जो बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है लेकिन रेजिन्स के अंदर ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है। जो हमारे SAN होती है ये गुड डायमेंशन स्टेबिलिटी होती है इसकी और अच्छे खासे रेजिस्टेंस होता है इसका केमिकल के थ्रू और ये हार्ड इन नेचर होती है एज कंपेयर ये एथिलीन फैमिली के। ज़्यादा हार्ड होती है, इम्पैक्ट ज़्यादा लगाना पड़ता है, इनकी डायमेंशन स्टेबिलिटी अच्छी खासी होती है अगर हम कंपेयर करते हैं एथिलीन फैमिली से। और ये हमारी ये भी हमारी थर्मोप्लास्टिक है, ये थर्मोसेट नहीं है, ये थर्मोप्लास्टिक है। आइए डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉपर्टी। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है इसके मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट इसका 110 से 131 तक सेंटीग्रेड तक ये वेरीज करता है। उसके बाद इसके डेंसिटी आती है, डेंसिटी इसकी 1.08 ग्राम सेंटीमीटर क्यूबिक होती है। उसके बाद आता है गुड टफनेस। मैंने आपको बताया इनकी डायमेंशन स्टेबिलिटी अच्छी होती है तो गुड टफनेस भी हो जाती है। और उसके बाद आता है इसके गुड डायमेंशन स्टेबिलिटी। इनकी डायमेंशन स्टेबिलिटी अच्छी खासी होती है, इसकी डायमेंशन डिफॉर्म नहीं होती है इजीली। हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है अगर हम इसको डिफॉर्म करते हैं तो, यानी कि इसके शेप को तोड़ते हैं या कोई हानि पहुँचाते हैं तो हमें ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, यानी ज़्यादा प्रहार करना पड़ता है। गुड स्ट्रेस क्रैकिंग, इसकी स्ट्रेस क्रैकिंग अच्छी होती है। अगर हम इसको खींच कर तोड़ते हैं तो अच्छे खासा हमें बल लगाना पड़ता है तभी से तोड़ने के लिए। उसके बाद केमिकल रेजिस्टेंस, केमिकल इस पर केमिकल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये नॉन रिएक्टिव होती है। और जो इसके वाटर और इसके ऊपर वाटर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वाटर भी जैसा था उसकी डायमेंशन वैसी ही रहती है। और रेजिन्स में इसकी डायमेंशन उसकी जो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है तो उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक भी हो सकते हैं, पॉइजन टॉक्सिक भी हो सकते हैं नेचर्स में। इसके जो हमारे प्रोडक्ट्स बने होते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं मोस्टली। वैसे तो हम कलर वेरी डाल सकते हैं मास्टर बैच लगाकर, यूजली हम इसके जो होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं और इसके जो रेजिन्स होते हैं येल्लो इन कलर होते हैं। और हम बात करते हैं इसकी यूजेस की। इसके कॉस्मेटिक पैकिंग में काम आते हैं ये, फीमेल्स के मेल्स के कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स में, उनके केजिंग में, उनसे स्टोरेज में, उन सब में काम आते हैं। बोतल फॉर वाटर इन ट्रेवलिंग, जो बोतलें वैसे तो हम LLDPE की और इन सब की बोतलें बना देते हैं लेकिन ये जो बोतलें होती है वो ट्रेवल में की जाती है और हमारे स्पोर्ट्स में यूज़ की जाती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इन नेचर होती है, डायमेंशन स्टेबिलिटी इनकी अच्छी होती है इस वजह से। और वैसे बैटरी केसेस में, बैटरी केसेस में यूज़ करे जाते हैं, जो बैटरी घर में होती है इन्वर्टर टाइप्स में और बाइकों में और गाड़ियों में होती है, उसके जो फ्रेम होते हैं बाहर का उसको बनाने में यूज़ की जाती है। ऑप्टिकल फाइबर बनाने में यूज़ की जाती है, जो वायर्स होते हैं ऑप्टिकल फाइबर उनकी लेयरिंग में काम आती है। उसके बाद कंप्यूटर कंपोनेंट्स, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में आती है। और फिर उसके बाद फूड कंटेनर, जो हम फूड कंटेन करते हैं अपने घरों में, किचन्स में, किचन्स वेयर्स में यूज़ की जाती है, उसमें काम आता है। डेली एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये सबके घरों में ये बॉक्स होते हैं, यूजली मिल सकते हैं आपके नॉर्मली जनरली। इसका जो ये ओपनर है, ओपनर के अंदर ये अंदर से स्मूथ है, ये स्मूथ है, ट्रांसपेरेंट इन कलर है, इसका कोई कलर नहीं है और बाहर से रफ सरफेस है,
ये रफ सरफेस है यानी कि खुदरी हुई है, अंदर से स्मूथ है, ये ट्रांसपेरेंट होती है, तो ये हमारी एसिन के बने होते हैं। अगर आप इसे तोड़ोगे तो टूटेंगे नहीं, ये देखिए। और अगर हम इधर ही फ्रूटी की बोतल आप इतने में इसे प्रेस करोगे तो वो पिचक जाती, अपनी शेप को चेंज कर लेती। तो ये था हमारा मेन डिफरेंस एसिन और उसके रेजिन्स में और हमारे एलडीपी में, यानी कि इथाइलिन की जो प्लास्टिक होती है उन सब में। तो ये था हमारा डिस्क्रिप्शन में एसिन है। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही।